कैंट थाना परिसर में नवनिर्मित जन प्रसाधन केंद्र का लोकार्पण एडीजी दावा शेरपा ने शिलापट्ट का अनावरण करके किया। इस अवसर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पौधरोपण भी किया गया। कार्यक्रम में आईजी नीलाब्जा चौधरी, एसएसपी शलभ माथुर, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, कैंट थाना प्रभारी मनोज पाठक सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व मेयर पवन बथवाल ने जन सहयोग की भावना से महानगर के 3 थानों पर जन प्रसाधन केंद्र का निर्माण कराया है। राजघाट, गोरखनाथ के बाद कैंट थाना शामिल है, जिसका लोकार्पण शुक्रवार को एडीजी दावा शेरपा ने किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व मेयर पवन बथवाल और एडीजी दावा शेरपा ने कहा, सर सब लोग आ जाइएगा, आ जाइएगा पास में, ठीक है। नीरज जी, ऐसे नीरज जी थोड़ा पीछे आओ भाई, थोड़ा सा उधर पीछे लगा देना भाई, नीम क्या, नीम उधर पीछे क्या, सब सबका बड़ा है नहीं, नया लगेगा सर यहाँ पर, कहाँ सब पेड़ कहाँ है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ मैं, और थानों पर जो आती है आम जनता आती है, पुलिस के लोग भी होते हैं, सबके लिए उचित प्रॉपर मतलब शौचालय प्रसाधन केंद्र चाहिए। इसी के साथ मेरा ये तीसरा, पहला गोरखनाथ बना, दूसरा राजघाट में बना, तीसरा ये थाने परिसर से शौचालय के निर्माण और पीने के पानी के जो मशीन है लगाए गए हैं, इससे जो थाने में आते हैं लोग, उनको आगंतुक लोग, उनको इसमें सुविधा मिलेगी। साथ में जो महिला या अन्य पुरुष कर्मचारी है, उनको भी जो थाने में तैनात है, उनके लिए ये सुविधा एक सहयोग के रूप में जन सहभागिता से ये मिलेगा। मुझे बेहद खुशी है कि कुछ गोरखपुर के गणमान्य लोगों ने, जैसे पवन बथवाल जी है, इसमें योगदान दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ।